प्रधानमंत्री जी, ये चुनाव हर सीट पर मोदी वर्सेस कैंडिडेट, मोदी ही मुद्दा है, ब्रांड मोदी बहुत विशाल हो गया है। इसके लिए मैं सबसे पहले हमारे प्रतिस्पर्धियों का बहुत आदरपूर्वक धन्यवाद करना चाहता हूं। दूसरा धन्यवाद मैं हमारे प्रति हमेशा नाराजगी रखने वाले मीडिया के मित्रों का धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि मैं जब गुजरात का मुख्यमंत्री था तो देश के अनेक राज्यों में से एक छोटा सा राज्य का मुख्यमंत्री था, लेकिन मुझे ऐसा पेंट किया मेरे जैसा कोई बुरा इंसान ही दुनिया में नहीं हो सकता है। और 10-12 साल तक मुझे ऐसा तो देश भर में क्यूरियोसिटी पैदा हुई कि भाई जिस व्यक्ति की चिंता हर कोई कर रहा है, उसकी चर्चा कर रहा है, ये आदमी है कौन? और जब मुझे देखा तो लोगों को लगा ये जो कह रहे हैं ऐसा नहीं है, तो कोई और है एकदम से। तो अभी भी ये जो लोग दिन रात मोदी मोदी कर रहे हैं, मैं उनका बहुत आभारी हूं कि वो करते रहे, नतीजा देश की जनता दे देगी। नतीजा देश की जनता दे देगी, आगे बढ़े उससे पहले चूंकि आपने ये लाइन कही, पत्रकार हूं, एक सवाल पूछ ही लेती हूं, देश की जनता क्या नतीजा देगी? क्या उस ब्रांड मोदी को वो बरकरार रखेंगे, पूर्ण बहुमत, कितनी सीटें, या फिर कुछ नए सहयोगियों को खोजना पड़ सकता है? मोदी ये ब्रांड नहीं है, मोदी एक जिंदगी है जो खुद के लिए नहीं जिया है, मोदी औरों के लिए जितना जी सकता है जीने के लिए प्रयास करता है, और कैमरा के सामने भी नहीं, सामान्य जिंदगी में मैं वैसे ही जीता हूं, और सामान्य मानवी में निरीक्षित विवेक होता है, वो कैमरा के दूसरी ओर भी देख पाता है, टीवी स्क्रीन के पीछे भी देख सकता है, और मुझे उसकी उस ताकत पर भरोसा है, और उस ताकत के आधार पर मैं कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी 2014 से ज्यादा सीटों से जीतेगी। भारतीय जनता पार्टी के साथ ही हमारे एनडीए के दल 2014 से ज्यादा सीटों से जीतेंगे। भारतीय जनता पार्टी के जीतने वाले लोगों का मार्जिन बढ़ेगा। भारतीय जनता पार्टी जिन क्षेत्रों में हमारी प्रेजेंस कम थी, अब उस क्षेत्रों में भी हमारी प्रेजेंस बढ़ेगी। यानी एक प्रकार से जितने पैरामीटर से आप देखें, उन सभी पैरामीटर से, तीसरी बात है, 2014 का चुनाव मतदान एक रिकॉर्ड माना जाता था, 2019 जबकि प्रो इनकम्बेंसी और मतदान का रिकॉर्ड, ये हिंदुस्तान के पॉलिटिकल पंडितों को सोचना पड़ेगा कि कैसे हो रहा है। तीसरी बात, जो मीडिया मिस कर रहा है, अब उनकी मदद करने के लिए मिस कर रहा है या ईमानदारी से मिस कर रहा है, मैं आरोप नहीं लगाता हूं। 2014 का चुनाव, उसके नतीजे, कांग्रेस का उसके पूरे जीवन काल का सबसे कम सीटें जीतने का रिकॉर्ड 2014, और 2019 उनके पूरे जीवन काल में सबसे कम सीटें लड़ने का रिकॉर्ड। ये दो चीजें देश के सामने बार बार आनी चाहिए। कितनी सीटें आएंगी सर? मैं नंबर नहीं लगाता हूं, क्योंकि देश इतना दे रहा है, इतना दे रहा है, इतना दे रहा है, शायद मेरा सोचना ही कम पड़ जाएगा।